हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने वेबसाइट्स पे एडसेंस के अप्रूवल ले सकते हैं। हालांकि मतलब कि इसी चीज़ को लेके काफ़ी सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो बिगिनर ब्लॉगर्स, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम में होते हैं कि आखिर हम किस तरह से अपनी वेबसाइट पर मतलब कि एडसेंस के अप्रूवल ले। जल्दी होता ही है कि वो मतलब कि बार बार अप्लाई करते रहते हैं लेकिन उनकी वेबसाइट रिजेक्ट होती रहती है। तो क्या कारण है, क्या फैक्टर्स है जिसे आप मतलब कि अप्लाई नहीं करते अपनी वेबसाइट्स में, जिस वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता? तो इस वीडियो में यार मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। अगर आप उसे अपनी वेबसाइट में अप्लाई करते हैं तो 100% आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन से भी प्रेस करना मत भूलना इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है गाइस वो है डोमेन। ठीक है, स्टार्टिंग में यार काफ़ी सारे जो बिगनर ब्लॉगर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं कि कोई भी मतलब कि लो क्वालिटी का डोमेन वो परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यार मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप टॉप लेवल डोमेन लाइक .in या .com के साथ ही आप जाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ आप जाएं, बाकी और कोई डोमेन को आप परचेस ना करें। अब दूसरी तरफ बात करूं तो गाइस यहां पे आ जाता है थीम। मतलब ये आपको गाइस जनरेट प्रेस थीम का ही यूज़ करना है स्टार्टिंग केस में। ठीक है, अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो यहां पे गाइस आपको जस्ट जनरेट प्रेस थीम को यूज़ करना है। ये 100% फ्री है और बिल्कुल सिंपल सा लेआउट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ ऐसा ही लेआउट आपको देखने को मिलेगा जनरेट प्रेस थीम का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको रिकमेंड करूँगा जनरेट प्रेस थीम जिसे आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो एक टॉप लेवल डोमेन या .com या .in आपको परचेज करना है। उसके बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, होस्टिंग लेना है। ठीक है, होस्टिंग भी आपको एक बेटर सा होस्टिंग लेना है, चाहे आप ब्लूहोस्ट का ले सकते हो होस्टगेटर का, नहीं तो आप होस्टिंगर के साथ भी जा सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बाकी थीम के बारे में हमने कर लिया कि यहाँ पे आपको जनरेट प्रेस थीम का यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं हम अगले फैक्टर की। तो यहाँ पे जो अगला फैक्टर आता है गाइस वो है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट इज़ द किंग। मतलब कि यार आपको ना मिनिमम मतलब कि 25-30 आर्टिकल्स, वो भी हाई क्वालिटी आर्टिकल्स आपको लिखने हैं, और आप वो एक एक दिन गैप करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो कंटिन्यूस मतलब कि एक एक दिन में आप ये 25-30 आर्टिकल्स को लिख सकते हो। ठीक है, वो पूरा का पूरा टोटली आप पे डिपेंड है, लेकिन वो बिल्कुल हाई क्वालिटी होना चाहिए और बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं से भी आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप स्पिनर का यूज़ करते हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज़ करो, लेकिन यार सेंटेंस कहीं ना कहीं मतलब कि ग्रामरली टूल के थ्रू थोड़ा सा आप चेकआउट कर लेना। उसके थ्रू क्या होगा कि आपके जो भी मतलब कि एरर्स होंगे ना, मतलब कि स्पेलिंग्स में, वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा। तो वो ग्रामरली के थ्रू आपने अपने सेंटेंस को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। अब दूसरी तरफ बात करूँ तो यहाँ पे आता है गाइस अगला फैक्टर है गाइस पेजेस। ठीक है, आपके वेबसाइट के अंदर गाइस मिनिमम ये 4 पेजेस होने चाहिए, लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन हो गया, प्लस डिस्क्लेमर। तो ये सारे पेजेस आपके मतलब कि वेबसाइट्स पे होने ही चाहिए। ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, जस्ट मतलब कि वेबसाइट क्रिएट करते हैं, पोस्ट डाला, बस छोड़ दिया, ना ही पेजेस बनाया, ना ही मतलब उसकी SEO की, ना ही कुछ किया, बस ऐसे ही मतलब कि छोड़ देते हैं और बस वो वेट करते रहते हैं कि मेरे आर्टिकल्स पे व्यू आएगा तभी मैं अगला आर्टिकल डालूंगा। तो ऐसा नहीं होता यार। ठीक है, मतलब कि देखो, एक वेबसाइट्स को रैंक करने में या तो यार 3 से 6 महीने लगते हैं, नहीं तो साल भी लग जाता है यार। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कीवर्ड्स पे कि आप किस तरह के कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते हो, किस कीवर्ड्स पे आप काम करते हो, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है या हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड है, उसका DA कितना है, ज़्यादा है या कम है, वो काफ़ी कुछ फैक्टर्स यार मतलब कि डिपेंड करता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो यार, मतलब कि धीरे धीरे हर एक मतलब कि टॉपिक्स पे वीडियोस आपको मिल जाएगा जिससे आपको अच्छी सी गाइडेंस मिल जाएगी किस तरह से मतलब कि इस फील्ड में काम करना है। ठीक है, बाकी कीवर्ड रिसर्च के लिए यार आप मतलब कि SEO एक टूल आता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जहाँ से आप मतलब कि Ahrefs को काफ़ी सस्ते प्राइस में आप परचेज कर सकते हो, लाइक यार क्या था उसका नाम, हाँ, SEO टूल अड्डा। तो जल्दी एक ये वेबसाइट है जहाँ से मतलब कि आप टूल को परचेज कर सकते हो यार, काफ़ी मतलब कि कम प्राइस में यहाँ से आपको काफ़ी सारे मतलब कि टूल्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने नीड के हिसाब से जिसकी आपको ज़रूरत है गाइस, जैसे Ahrefs टूल के थ्रू आप काफ़ी अच्छा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, देन आप इसे बाय कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप कॉम्बो भी बाय कर सकते हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने कर लिया गाइस, आपने पेजेस भी बना लिया, आपने कंटेंट भी अच्छा डाल लिया, और आपके मतलब कि 30 से 35 के आसपास आपका कंटेंट क्रिएट हो चुका है, और आपने मतलब कि मेन्यू भी अच्छे से क्रिएट करना, और मेक श्योर जितने भी आपने मेन्यूज बनाए उनमें से कोई भी मेन्यूज यार खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने एक पोस्ट लिखा है ना, तो वो उस पोस्ट को आप सभी मेन्यूज में क्या करो, कैटेगरीज में डाल दो, ताकि वो आपका पोस्ट सभी मेन्यू में दिखे स्टार्टिंग में। ठीक है, इतना गूगल मतलब कि चेकआउट नहीं करता कि आपने जैसे मान लीजिए जैसे बॉलीवुड
एक्टर्स का आपने मतलब कि बायोग्राफी लिखा है तो उसे आपने हॉलीवुड में भी डाल दिया तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना कि हर एक मेन्यूज़ में आपका कॉन्टेंट होना चाहिए, नहीं तो अगर आपने 10 मेन्यूज़ बना दिया और 2 मेन्यूज़ में आपका कॉन्टेंट है देन फिर वहाँ आपको यार अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर आ जाएगा और आपको गूगल जो है वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, वहाँ भी आपको एडसेंस का अप्रूवल वो नहीं देगा। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, पूरी तरह से जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए लाइक जैसे आपने अच्छे से कंटेंट लिख दिया, अच्छे से आपने डिज़ाइनिंग कर दी, और ज़्यादा कोई हाईफाई डिज़ाइन नहीं करना है, जैसे कि आप ये वेबसाइट देख पा रहे हो गाइस, अभी जस्ट मैंने इसे एडसेंस के लिए अप्लाई किया, जैसे ही इस पर मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जस्ट सिंपल सा इंटरफेस आपको रखना है, सिंपल सा मेन्यूज बनाना है, जैसे कि मैंने पेजेस यहाँ पर लगा दिया एंड यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स डाल दिया, यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट और मतलब कि यहाँ पे कैटेगरीज डाल दिया एंड देन नीचे मैंने बॉटम में जस्ट मतलब कि वेबसाइट का नाम डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह ही आपको सिंपल सा करना है। अगर फिर भी अगर ये सब चीज़ें नहीं मतलब कि समझ आती किस तरह से मतलब कि हमने जनरेट प्रेस को कस्टमाइज़ करना है तो आप कमेंट कर देना यार, इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँगा जहाँ पर मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊँगा किस तरह से आपको मतलब कि इस तरह से एक नॉर्मल बेसिक सा ब्यूटीफुल वेबसाइट को क्रिएट करना है, ठीक है। तो यार देखो यही सब फैक्टर्स होते हैं, अगर इन सब को आप अप्लाई करते हो अपने मतलब कि वेबसाइट्स में और बिल्कुल कंटेंट आपका खुद का यूनिक है यार, तो 100% आपको एडसेंस अप्रूवल लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। 100% आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, बस आपने कोड अच्छे से एम्बिट करना है अपने वेबसाइट्स में। वो सारा प्रोसेस जैसे इस वेबसाइट पर अप्रूवल मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा किस तरह से गाइस एडसेंस का अप्रूवल लेना है और कितनी जल्दी हमें मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे यार मतलब कि डोमेन का एज ऐसा कोई डिपेंड नहीं होता, काफ़ी लोग कहते हैं कि 6 मंथ मतलब कि 6 मंथ आपका डोमेन पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यार मैंने 10 दिन मतलब कि 10 दिन वाले डोमेन पे भी मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया है, ठीक है। तो डोमेन की एज से एडसेंस का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जस्ट मिथ है, बस आपको इन सब फैक्टर्स का यूज़ करना, 100% आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।